आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस मुस्कान के साथ। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटका की खबरों से। भ्रष्टाचार की सभी हदें हो गई पार। धारवाड़ जिला के कुंडगोल के सरकारी कर्मचारी मजबूर और गरीबों को तक लूट रहे हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद कर राहत पहुंचाना तो दूर, सरकारी कर्मचारी बाढ़ पीड़ितों और किसानों को भी लूट रहे हैं। मुआवजे की मुआयना कर हर्जाना देने के लिए दस्तावेजें यानी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रहवासी जैसे दस्तावेजों को सरकार को जमा करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी बाढ़ पीड़ित और किसानों से भी घूस मांग रहे हैं। हर एक दस्तावेज को जमा करने के लिए 20-20 रुपए लिया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम बाढ़ पीड़ितों को लूटा जा रहा है। अगर पीड़ित और किसान घूस नहीं देते तो उनको मुआवजे के पैसे भी ना देने की धमकी देते हैं सरकारी कर्मचारी सुभन्ना। सुभन्ना अपनी इंसानियत तक भूल चुका है। बाढ़ पीड़ित एक वक्त खाने और पानी के लिए भी तरस रहे हैं, ये सब जानते हुए भी उन लोगों से घूस की मांग कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो इतना लालची है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस घूसखोर सुभन्ना को क्या सबक सिखाती है।